हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बेसन की चूरमा खस्ता कचौड़ी बनाने चल रहे हैं। एक चम्मच हम जीरा भून रहे हैं, इसको निकाल लेते हैं भून के। इसमें चार चम्मच हम ऑयल डाल रहे हैं, एक कटोरी बेसन हम ले रहे हैं, इसमें एक कटोरी बेसन इसमें हम डाल रहे हैं। इसको हम धीमी आंच में चलाते हुए ब्राउन करेंगे। तो देखिए, बराबर से इसको हम चला रहे हैं ताकि इसमें जो ऑयल डाले हैं बेसन में अच्छी तरीके से मिल जाए। इसको बराबर हम चलाते रहेंगे ताकि बेसन चिपके ना। ये देखिए, बराबर चलाते हुए हम ब्राउन कर रहे हैं इसको। ये बेसन हमारा ब्राउन हो गया है, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में हम। इसमें मिलाने के लिए हम हरी धनिया ले रहे हैं, और लहसुन है, मिर्चा तीन है, एक चम्मच जीरा जो भूजे थे, अदरक, सभी चीज़ों को हम पीस ले रहे हैं। पीस के इसमें मिला ले रहे हैं, इसका चूरमा तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हल्का सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला ले रहे हैं चम्मच से। ये चूरमा हमारा तैयार हो रहा है। इधर हम एक कटोरी आटा लगा ले रहे हैं, तो एक कटोरी आटा लिए हैं, चार चम्मच ऑयल इसमें लिए हैं, अजवाइन आधा छोटा चम्मच डाल ले रहे हैं इसमें हम। अब इसको हम पहले मिलाएंगे, पानी अभी हम नहीं डालेंगे। तो इसको हम मिला ले रहे हैं। ये आटा लगा लिए हैं हम, आटा हमारा मुलायम है, ज़्यादा हार्ड नहीं लगाए हैं, देखिए एकदम सॉफ्ट है। अब इसको लोई बनाएंगे हम। लोई ना तो बड़ी रही ना तो छोटी, मीडियम साइज की लोई बना रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से मीडियम साइज की लोई ले रहे हैं। सूखा आटा के सहारे इसको हम लोई को बड़ी करेंगे। अब इसमें हम चूरमा भरेंगे, दो चम्मच हम इसमें चूरमा भरेंगे बेसन का जो बनाए, ये दबा के इसमें हम दो चम्मच चूरमा भर के इसको फोल्ड कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से हम फोल्ड कर रहे हैं इसको, इस तरीक़ों से हम इसको दबा के फोल्ड करके मोड़ दे रहे हैं ताकि हमारा फटे ना। इस तरीके से सारी लोई हम तैयार कर ले रहे हैं। ये लोई हमारी तैयार हो गई है। तो बेलन से हम इसको धीरे हाथ में दबा के बेलेंगे, ज़्यादा तेज़ दबाएंगे नहीं, नहीं तो फट जाएगी। ये हम इसको हल्की पूड़ी से बड़ी बनानी है इसको हमको। तो ये देखिए बन गई है। तो इसको तेल में हम डालने चल रहे हैं। तेल गरम है हमारा, ज़्यादा गरम है। अब इसको छन्नी से हम बराबर चलाते रहें, पलट दे रहे हैं। ये फूल आई है कचौड़ी, इसको दोनों तरफ हम सेक लिए हैं, निकाल ले रहे हैं। तो दूसरी पलट डाल दिए हैं इसमें। इस तरीके से हमारी खस्ता कचौड़ी बन के तैयार हो रही है। हमारा तरीका पसंद, इस तरीके से बन के तैयार हो गई पूरी। हमारा अगर तरीका पसंद आया हो, ये देखिए अंदर बेसन भरा हुआ है। हमारा तरीका अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।